नजरिया कटार बनके लगी अपनी नजरिया कटार बनके कोई दिल में समा न जाए प्यार बनके कोई दिल में समा न जाए प्यार बनके लगी अपनी नजरिया कटार बनके रामा हो रामा हो रामा हो रामा हो प्रसाद मरते वक्त प्राण का हाथ मेरे हाथ में दे गए। मुझ पर उनके बहुत एहसान थे। मैंने अपनी उस स्वर्गवासी दोस्त की आखिरी घड़ियों में वचन दिया था प्राण और अरुणा। अच्छा मालिक। हाँ आलिया। अरे मेरे प्यारे रुपए कहाँ से चला कहाँ पहुंचा लेकिन ए मिस्टर। अच्छा तो तूने दिल में ठान लिया कि मैं चोर बनूं। ए भाई साहब आपने मुझे भाई साहब कहा? क्यों कोई गुस्ताखी की मैंने? जी नहीं। अरे मेरी जान इस दुनिया में अमीर क्या और गरीब क्या सभी एक बराबर है। देखते हो ये क्या है? रुपया लोगे? नेकी और पूछ पूछ लेने से इनकार नहीं और देने को तैयार नहीं ये ऐसी चीज है भाई। लेने से इनकार नहीं देने को तैयार नहीं इस दुनिया में कौन है ऐसा जो पैसे का यार नहीं जो पैसे का यार नहीं। लेने से इनकार नहीं देने को तैयार नहीं इस दुनिया में कौन है ऐसा जो पैसे का यार नहीं जो पैसे का यार नहीं। है पैसा आगे आगे और दुनिया पीछे भागे पर पैसा बड़ा छलावा है सारे जग का बाबा। एक जगह पर रुकने को जी रुकने को तैयार नहीं रुकने को तैयार नहीं इस दुनिया में कौन है ऐसा जो पैसे का यार नहीं जो पैसे का यार नहीं। ये तो
दौलत है बीमारी पर लागे सबको प्यारी, ये दौलत है बीमारी पर लागे सबको प्यारी, इसकी खातिर किसी ने पगड़ी किसी ने बीवी हारी, बीवी बिहार गया बेचारा किसी ने बीवी हारी, लेकिन जीत सदा पैसे की कभी भी इसकी हार नहीं, कभी भी इसकी हार नहीं, देने से इनकार नहीं, देने को तैयार नहीं, इस दुनिया में कौन है ऐसा जो पैसे का यार नहीं, जो पैसे का यार नहीं। ये मिलने चलाने वाला यही चोर बनाने वाला, मान यही है शान यही है करे यही मुँह काला, हाँ मुँह भी तो काला होता है, करे यही मुँह काला, कल युग में तो इससे बढ़कर कोई बड़ा अवतार नहीं, कोई बड़ा अवतार नहीं, देने से इनकार नहीं, देने को तैयार नहीं, इस दुनिया में कौन है ऐसा जो पैसे का यार नहीं, जो पैसे का यार नहीं। रेडियो बंद करो। दस बज गए, रेडियो बंद करो और सो जाओ। सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैं कहता हूँ ये रेडियो सुनने का वक्त नहीं है। ग्रामोफोन सुनने का वक्त है? मैं कहता हूँ बंद करो ये रेडियो। ये नहीं हो सकता। कहता हूँ नहीं हो सकता, देखता हूँ कैसे नहीं हो सकता। तो मैं भी देखती हूँ। देखो और अच्छी तरह देखो। प्राण बाबू ये क्या किया तुमने? रखो मत, इस घर में जो भी मेरी मर्जी के खिलाफ सर उठाएगा उसका यही अंजाम होगा। राम, ये सब क्या हो रहा है? ये सब मैं क्या देख रहा हूं? तुम्हारे मिजाज का पारा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अंकल, मुझे कोसने से पहले आप इससे किसे क्या पूछूं? जो कुछ भी हुआ है मेरी नजरों के सामने तो है। लेकिन मेरी बात तो, जाओ अपने कमरे में। मैं इस आए दिन झगड़े से तंग आ गई हूँ। बेटी, आदमी की जबान नहीं दिल देखा जाता है।
अपना अच्छा लड़का है, बस जरा जिद्दी और गर्म मिजाज का है। अगर वो गर्म मिजाज और जिद्दी है तो मैं भी उससे कम नहीं। फिर तो तुम दोनों की जोड़ी खूब रहेगी। दुनिया में एक ही स्वभाव का जोड़ा तो कोई कोई होता है। तो क्या आप उससे मेरी शादी करना चाहते हैं? बेटी, इस बात का फैसला तो आज से 15 साल पहले ही हो चुका है। डैडी, उसके पल्ले बांधने से तो अच्छा है कि आप अपने हाथों से मेरा गला घोंट दीजिए। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही है? तो क्या आप अपना फैसला बदल नहीं सकते? बेटी, मैं जिस दिन के लिए सिसक सिसक कर जी रहा हूँ, क्या तुम उस दिन को और भी दूर ले जाना चाहती? हम खानदानी लोग हैं बेटा। मैंने प्राण के स्वर्गवासी पिता को वचन दिया है और मेरे लिए उस वचन को तोड़ना अपने खानदान की मर्यादा मलियामेट करने के बराबर है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जा बेटा, अब आराम करो। जो कुछ भी होगा तुम्हारी भलाई के लिए ही होगा। के स्वर्गवासी पिता को वचन दिया है और मेरे लिए उस वचन को तोड़ना अपने खानदान की मर्यादा मलियामेट करने के बराबर है। अरुणा, अगर प्राण तुम्हारा जीवन साथी बन गया तो? अगर प्राण तुम्हारा जीवन साथी बन गया तो? तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारी आजादी छीन ली जाएगी। अरुणा, याद रखो, अगर तुमने एक कदम भी गलत उठाया तो जिंदगी भर पछतावे की आग में जलती रहोगी। सोच लो, अच्छी तरह सोच लो, आजादी की एक घड़ी जिंदगी भर की गुलामी से कहीं अच्छी है। अरुणा, संभलो, संभलो, यही वक्त है, यही वक्त है। कहां सकती है? तुम लोग सब सोए हुए थे या मर गए थे? रात को जवान लड़की घर से निकल जाए और कानो कान किसी को खबर तक न हो, अब क्या होगा? न जाने मेरी बच्ची कहां है। आप घबराइए नहीं, मैं आज ही उसे तलाश करके वापस ले आऊंगा। लेकिन कहां तलाश करोगे? कौन जाने उसने कुछ खाना लिया हो। ऐसी बात मुझसे न निकालिए मालिक। बिटिया इतनी नादान नहीं है, गुस्से में कहीं चली गई होगी। मेरा दिल कहता है वो खुद ही वापस आ जाएगी, वो आपके बगैर नहीं रह सकती। मालिक, बात ही करने से क्या होगा। प्राण, जाओ उसे तलाश करो, कहीं ना कहीं से उसे ढूंढ निकालो। जी Thank you.
बाबू ये टोपी वाले बाबू, तेरी टोपी बनी रहे बाबू, दो आने का सवाल है बाबू, तेरी टोपी बनी रहे, दो आने का सवाल है बाबू। बस कन्नी से काम नहीं चलेगा? इस कन्नी से आजकल बनता क्या है बाबू? सच कहते हो, महंगाई का जमाना है, कन्नी से क्या हो सकता है। लेकिन मैं पूछता हूँ तकलीफ क्या है तुम्हें? अच्छे खासे हट्टे कट्टे हो, ये गोल गोल टांगे, ये लंबे लंबे हाथ, मेहनत मजदूरी क्यों नहीं करते? बाबू मेहनत मजदूरी मिलती कहाँ है, तुम ही दिलवा दो। जरूर अगले बरस से सरकारी ठेका मुझे मिलने वाला है, मैं कुर्सी पर बैठते तो मैं काले पानी का वजीर बना दूँ। दे दो ना बाबू, दे दो दे दो। ये ले कन्नी। कन्नी बाबू आधा घंटा बहस के बाद सिर्फ भी कन्नी? अबे जा, मैंने तुम्हें किसी मुकदमे का वकील बना के खड़ा किया था जो घंटों के हिसाब से फीस लेगा। बाबू ए बाबू, ये चश्मे वाले बाबू तेरे बाल बच्चे बने रहे, तेरा चश्मा बना रहे, चार आने का सवाल है। मोटर को पेट्रोल पंप तक धक्का लगाएगा। बाबू काहे को भिखारी का मजाक उड़ाते हो, जिस गरीब को तकदीर ने धक्का दिया वो गाड़ी को क्या धक्का लगाएगा? अबे मुफ्त में नहीं, बख्शीश मिलेगी। नहीं बाबू नहीं, मैं किसी मजदूर की मजदूरी नहीं मारना चाहता। देखो जो कुछ भी देना है वो अपनी खुशी से बगैर धक्के के दे दो। अबे लगाता है धक्का या नहीं? अभी तो कह रहा था बाबूजी को काम दिलाइए, क्या ये काम नहीं है? तो बाबू ये भी कोई काम है, आज मिला कल नहीं मिला फिर? सच कहते सबसे अच्छा पैसा भीख मांगने का है। मेरी ये कन्नी वापस कर। काहे को मजाक करते हो बाबू, कभी किसी ने भिखारियों से भी भीख मांगी है? मैं कहता हूँ मेरी कन्नी वापस कर, वरना हाथ पांव तोड़ के पूरा भिखारी बना दूंगा। ऐसी तकलीफ मत करना। ये लो बाबा अपनी कन्नी, तुम भी क्या याद करोगे किसी रईस भिखारी से पाला पड़ा था। हाँ चलिए भाई साहब, मैं ही आपकी गाड़ी धकेल देता हूँ। तीन गैलन डालो। ये लो। क्यों कम है क्या? इससे ज्यादा और कौन देगा? जी ये बात नहीं। फिर क्या बात है? जी मुझे बख्शीश नहीं, अगर हो सके तो कोई नौकरी दिला दीजिए। नौकरी? नौकरी कहाँ है? देखिए साहब मैं पढ़ा लिखा हूँ, बीए पास हूँ, लेकिन नौकरी की तलाश में मारा मारा घूम रहा हूँ। सॉरी यंग बॉय, नौकरी तो नहीं। ये लो 2 रुपए। अब चलो ये भी क्या बुरा है, अगर इन गाड़ी वालों की गाड़ियां रोज इसी तरह बिगड़ती रहे तो भी हमारी गाड़ी चल सकती है।
ओवल अरे ओवल लाऊंगा। ओ समझा ओवल थीन थीना तो एक तरफ रहा, पांच बरस नाम भी नहीं सुना। वाह अशोक साहब क्या किस्मत पाई है आपने। भगवान किसी पर मेहरबान होता है तो बेकारी में से नौकरी देता है या लॉटरी देता है, मगर तुम्हारे भगवान ने छप्पड़ फाड़ा भी तो एक लड़की भेजी। पहले अपने आटे दाल की फिक्र थी, अब इसकी डबल रोटी का भी इंतजाम करना पड़ेगा। खैर देने वाला देगा ही। श्रीमती श्रीमती ओवल्टीन चाय हाजिर है। कौन है आप? आपको चाय से मतलब है या मेरे आते पते से? लेकिन आपसे चाय लाने के लिए कहा किसने था? देखिए अगर मेहमान गूंगा हो तो इसका ये मतलब नहीं कि मेजबान भी बहरा। ओह तो आप हैं इस घर के मालिक? जी हाँ, मेरा नाम है अशोक तकरे इन द एग्जॉल्टेड हाइनेस ऑफ सूटी बूटी बस महल। और आप? जी मेरा नाम अरुण है। अरुणा बहुत अच्छा नाम है, लीजिए चाय पीजिए। दांत साफ कर लिए या नहीं? ओ अच्छा, दांत साफ करने की आदत ही नहीं है। आदत क्यों नहीं? ओ समझा समझा, टूथपेस्ट साफ नहीं लाई, कोई बात नहीं, मेरे पास असली हिंदुस्तानी कोयले का शुद्ध मंजन है जिसे वैद्य राज अशोक कुमार ने अपने आयुर्वेदिक पास भंडार में तैयार किया। बड़ी कम खर्च बारा नशीन चीज है, जल्दी से इस्तेमाल कीजिए, फायदा उठाइए, नहीं तो चाय की कुल्फी बन जाएगी। ये तो बहुत है, आज ही तुम ले लो। जियो जियो हजार बरस जियो, काफी समझदार नजर आती है, मुझे मांगने का मौका ही नहीं। इसमें डाला क्या है? जी कुछ नहीं, खालिस हिंदुस्तानी चाय है जो गर्मियों में ठंडक और सर्दियों में गर्मी पहुंचाती है। लेकिन इसमें इतनी बदबू कहां से आ गई? इतना बुरा जायका तो नहीं, मैं तो इसे हर सुबह अमृत का प्याला समझ के खा जाया करता हूँ। खैर अपनी अपनी पसंद की बात है, लेकिन लगे हाथों ये तो बताओ कि तुम हो कौन, कहां से आए, कैसे आए, जवाब दो करुणा। करुणा नहीं अरुणा। इसमें क्या फर्क पड़ता है? हाँ तो तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ किस तरह पहुंची? जी पाँव से चलकर। पाँव तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन इरादा क्या है? इरादा मेरा मतलब है कि अकेली लड़की को रात के वक्त इस तरह आने की क्या जरूरत है? जरूर घर से भाग के आई हो? जी भाग कर नहीं, धीरे धीरे आई हूँ। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तुम कुछ जवाब दे रही हो, कहीं तुम्हारा यही अड्डा जमाने का ख्याल तो नहीं? जी ख्याल तो कुछ ऐसे ही है। मारेगा, अरे नेक लड़की जरा अपनी तरफ तो देख, ये उजला तन, ये निखरा हुआ बदन, ये रेशमी लिबास और उस पर सुबह सुबह ओवल्टीन पीने की आदत, इस भुक्कर रियासत में तुझे क्या हाथ मिलेगा? चल मैं तेरे साथ चल के तुझे घर पहुंचा। नहीं नहीं नहीं, मुझे घर नहीं जाना। मर गए? क्या तुमने फैसला कर लिया है कि तुम यहीं रहोगी मेरे साथ?
तुझे लोक लाज का कोई डर नहीं है? जरा सोच दुनिया तुझे मेरे साथ देख के क्या कहेगी। मेरा नागा ना पीछा ना नाम ना इज्जत। चल मैं तुझे पुलिस स्टेशन छोड़ आता हूँ, पुलिस वाले खुद तुझे तेरे घर पहुंचा देंगे। रो मत अरुणा, रो मत, मैं पुलिस में रिपोर्ट नहीं करूंगा। भगवान के लिए मुझ पर इतबार करो, मैं फिर कभी पुलिस का नाम नहीं लूंगा। देखो मेरा दिल बहुत कमजोर है, मैं किसी खूबसूरत लड़की के आंसू के तीर नहीं कह सकता। अगर किसी जन्म का बदला लेना है तो किसी और तरह ले ले, लेकिन इन आंसुओं के हथियार से मुझे मत मार प्लीज। पता चला? सुबह से शाम तक ढूंढता रहा लेकिन कुछ पता नहीं चला। बस यही कहने के लिए तुम मेरे पास आए हो। और करता भी क्या? मेरे ख्याल में पुलिस को खबर कर दो तो अच्छा रहेगा। कर दो खबर? फर्जी क्या है? नहीं नहीं नहीं, एक बार पुलिस तक खबर गई तो सारी दुनिया जान जाएगी। मेरी बेटी के माथे पर कलंक का टीका लग जाएगा, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। नहीं प्राण, तुम फिर से जाओ और शहर का कोना कोना छान मारो, जहां से भी हो मेरी बच्ची को ढूंढ निकालो। क्या बात है, क्या बात है, जवाब नहीं तुम्हारा। किसी ने सच कहा है कि औरत के हाथ नर्क को स्वर्ग बना सकते हैं। कल तक ये बस बेचारी 80 बरस की बुढ़िया थी और आज तुम्हारे हाथ लगते ही चमक दमक के 16 बरस की हसीना नजर आ रही है। बस रहने दो, और तारीफ की जरूरत नहीं। मैं कहता हूँ आज ही बम्बई बेवकूफों से भरी पड़ी है। जरा देखो इस बस को, बम्बई की बड़ी बड़ी इमारतें इस बस के सामने क्या है। अरुणा, हमें चाहिए कि हम इस बस को दुनिया की नजरों से छुपा कर रखें। अगर कहीं बम्बई वालों ने इसे देख लिया तो सड़कों पर इंजन ही इंजन पड़े होंगे और लोग बसों में घर बसा के बैठे होंगे। लेकिन सारी दुनिया तुम्हारी जैसी अकलमंद तो नहीं, इसीलिए तो मजे से चल रही है और मैं फाके काट रहा हूँ। अकल की तो इस जमाने में मार्केट ही नहीं। तुम्हें भूख लगी होगी, लो कुछ खा लो। तुमने खा लिया? ओ, अभी नहीं। तो आओ मिल जुल कर खा ले। अच्छा ये तो बताओ, तुम अकेले ही अकेले? अकेला क्यों हो, तुम जो हो। समझे नहीं, मेरा मतलब है माता पिता भाई बहन कोई तो होगा तुम्हारा। कोई नहीं, बिल्कुल क्लीन रिकॉर्ड है। माँ मेरे पैदा होने के 10 दिन बाद चल बसी और बाप 10 महीने के बाद। मेरा ख्याल था कि इस हिसाब से 10 बरस का होती मेरी बारी भी आ जाएगी, लेकिन वो शुभ घड़ी टल गई। यतीम खाने में मेरी परवरिश हुई, यतीम खाने ने मुझे पढ़ाया लिखाया और अब बीए पास करके यतीमों की तरह बेकार घूम रहा। यही है मेरी राम कहानी। कितनी दर्द भरी जिंदगी है तुम्हारी भी। हाँ, जो भी है कुछ कट गई है और कुछ कट जाएगी। अब कम से कम इतना सहारा तो है कि मेरे हाल पर तरस खाने वाला कोई मिल गया है, और कुछ नहीं तो 2 मीठे बोल तो मिल ही जाया करेंगे। मेरे लिए यही खुशी बहुत है अरुण। लेकिन तुमने मुझसे तो सब कुछ पूछ लिया, कुछ अपनी भी तो सुनाओ। अभी नहीं, एक दिन आएगा जब तुम सब कुछ जान जाओगे। मैं हाथ जोड़ती हूँ, अभी से पूछकर मुझे इनकार का मौका मत देना। ये बहुत ज्यादती है तुम्हारी। तुम कुछ भी पूछो और हम हिज मास्टर वॉच ग्रामोफोन रिकॉर्ड की तरह शुरू हो जाए, और जो हम पूछ बैठे तो तुम म्यूनिसिपैलिटी के नल की तरह रोना शुरू कर दो या किसी पुजारी की तरह हाथ जोड़ के विनती शुरू करो। अशोक मेरा विश्वास करो, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहती।
लेकिन अभी सब कुछ बता देने से बात बिगड़ जाएगी। देर हो गई, कुछ खा लो। पहले तुम खाओ। तुम खा लो ना। पहले तुम खाओ। तुम खाओ। क्यों जी, हर बात में हमें क्यों पहल करें? पहले तुम खाओ। अच्छा जी। माफी चाहता हूँ, भूल से। ऐसी भूल माफ नहीं की जाती। बिटिया के कुछ पता चला? जाते हुए मुझे पता देकर गई थी कि प्राण ढूंढ लाता। प्राण बासी कड़ी की तरह उबल क्यों रहे हो? ये न भूलो कि तुम्हारी वजह से मेरी लड़की ने घर छोड़ा है। बात बात पर तुम्हारी दखल अंदाजी और तुम्हारे छूटे जरूर ने अब मेरे लिए कयामत खड़ी कर रखी है। अनजान बच्ची जिसने कभी अकेले घर से बाहर कदम तक नहीं रखा, आज न जाने कहां कहां ठोकरे खा रही होगी। मैं न जानता था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। बात तो बिगड़ चुकी है, अब उसे संभालना भी तो तुम्हारा ही काम है। अंकल, मैं कसम खाता हूं कि अगर कल तक अरुणा को ढूंढ कर न लाया तो मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगा। क्या हो रहा? क्यों बताऊं? और बताने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देख लिया। क्या देख लिया? यही खेल जो तुम खेल रही हो। कौन सी खेल? बताओ। लिख लिख के मेरा नाम जमीन पे मिटा दिया। अकेले में जी घबरा रहा था इसलिए यहाँ चली आई। अरुणा, इस वक्त अगर तुम अपने घर में होती तो कोई मखमली स्टेज होती, बिजली का पंखा हवा दे रहा होता, दो चार नौकर तुम्हारी जरूरतें जानने के लिए बेकरार होते। मगर अजीब हो तुम, ये सब आराम छोड़कर एक बेयारो मददगार, बेकार और नादार आदमी का साथ दे रही। और इसमें कितना मजा आ रहा है ये कोई मेरे दिल से पूछे। अशोक, बड़ी खुश नसीब हूँ मैं जो मुझे तुम्हारे जैसे मेहरबान मददगार दोस्त के साथ आजादी की ये घड़ियां गुजारने का मौका मिला है। क्या तुम दिल से कह रही हो अरुणा, अब तुम्हारा घर जाने का कोई इरादा नहीं? नहीं अशोक, मैं इस घर में जाकर क्या करूंगी जहां दुनिया भर के लजीज खाने तो हो लेकिन भूख ना हो, खूबसूरत से खूबसूरत लिबास तो हो लेकिन पहनने की उमंग ना हो, नरम से नरम सेजे हो लेकिन नींद आंखों से दूर हो, घर में भगवान का दिया हुआ सब कुछ हो लेकिन मन की शांति न हो। मैं सच कहती हूँ शो, ये खुली हवा, ये रेत, ये दूर तक फैली हुई धरती, ये सागर, ये नीला आसमान और फिर तू, क्या अपनी जगह एक स्वर्ग नहीं है? स्वर्ग था तो नहीं लेकिन जब से एक अप्सरा आ गई है मुझे भी जमीन पर स्वर्ग का शक होने लगा। जानती हो ये स्वर्ग किसने बनाया? एक मोहब्बत के देवता। लेकिन एक मोहब्बत की देवी कुत्ते। अरुणा, मैंने एक बार ख्वाब में दूर सागर से आती हुई एक नाव देखी। वो नाव जब किनारे लगी तो उसमें से एक जलपरी उतरी और उसने बहुत धीमी और मधुर आवाज में मुझे पुकारा। मैं खोया सबसे करीब पहुंच गया और कुछ देर के बाद जब मेरी आंख खुली तो मेरा दिल पहलू से गुम था।
मैं सच कहता हूँ अरुणा, बताओ तुम्हें ये चोरी किसने सिखाई? अशोक, देख हमें आवाज न देना, देख हमें आवाज न देना, ओ बेदर्द जमाने, ओ बेदर्द जमाने, आज चले हम छोड़ के तुझको दुनिया नई बसाने, ओ बेदर्द जमाने। चमका शाम का पहला तारा, चमका शाम का पहला तारा, सबसे पहले उसने देखा प्यार हमारा, सबसे पहले उसने देखा प्यार हमारा, आने वाली रात सुनेगी, आने वाली रात सुनेगी तेरे मेरे तराने, ओ बेदर्द जमाने, देख हमें आवाज न देना, ओ बेदर्द जमाने, ओ बेदर्द जमाने। दोस्त से गाने के चले लाओ। आओ यार आओ, कहाँ रहे इतने रोज, क्या भूल गए हमारी यारी? कहीं और लगा ली। खुश रहो खुश रहो, दोस्त का घर आबाद तो अपना भी दिल शाद।
जहाँ हो चलो बैठो गाड़ी में। अशोक चलो। अशोक छोड़ दो प्रण, छोड़ दो मुझे। अंकल बिटिया अरुणा अरुणा बेटी बेटी अरुणा डैडी अरुणा बच्ची आ गई मेरी बच्ची। ये तूने क्या किया था बेटी, मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? तुझे मेरे बुढ़ापे पर भी तरस नहीं आया डैडी? बस बस तू लौट आई, भगवान ने मेरी लाज रख ली। बेटी अगर तू आज भी वापस नहीं आती तो मैं शायद इस दुनिया से चल बसा होता। नहीं डैडी नहीं। बता नहीं। बता मेरी बच्ची तू कहाँ चली गई थी, मुझे अकेला छोड़कर क्यों गई थी? डैडी जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए, अब तो मैं आपके पास हूँ डैडी, अब तो मैं आपके पास हूँ डैडी। तू क्या जाने बेटी इन दिनों में मुझ पर क्या गुजरी है, आपके होते भी अभी मैं देख नहीं सकता था, और देखता भी तो कैसे, मेरी आंखों का उजाला जो मुझसे दूर था। हरिया मेरी अरुणा को अच्छी तरह से खाना खिला, न जाने मेरी बच्ची कितने दिनों से भूखी प्यासी है। जाओ मेरी बिटिया खाना खा लो और आराम करो। आओ बिटिया आओ आओ बिटिया। प्रांत आज के बाद फिर कोई बात हुई तो मैं तुझे कभी नहीं माफ करूंगा। ये इस मरीज को अभी तक होश नहीं आया। हाँ सिर्फ एक बार आंख खोली थी, मैंने नाम पूछा तो कुछ देर फटी फटी आंखों से देखता रहा और फिर बेहोश हो गया। ओ देखो नर्स इसकी देखभाल जरा गौर से करना, मेरा ख्याल है यही बात होगी। क्या ख्याल है आपका? मुझे पहले से ही शक था कि हादसे की वजह से इसके दिमाग को सदमा पहुंचा है और ये होश आवाज खो बैठा है। अगर इसे होश आ भी गया तब भी ये पिछली बातें भूल जाएगा। तो क्या इसकी याददाश्त वापस नहीं आ सकती? बहुत बड़ा ऑपरेशन करने से शायद ये मुमकिन हो सके, मगर इस हालत में ऑपरेशन जानलेवा भी हो सकता है। पहले इसका जख्म भर ले फिर देखा जाएगा। Thank you.
दिखता नहीं है क्या? माफी चाहता हूँ, माफी। मैंने कहा लाला जी, मुझे बुलाया? जी हाँ, आपको। जी बाबा जी, शक्ल सूरत से आप बड़े पढ़े लिखे मालूम होते हैं। एक बात का जवाब देंगे आप? जी, ये 10 और 10 मिलके कितने होते हैं? 20। मालूम था आप गलती करेंगे। अरे साहब, होते हैं 30। 20 नहीं, 30। हाँ नहीं साहब, 20 होते हैं। अरे 30 होते हैं यार। नहीं, 20 होते हैं। अरे बाबा, 30 होते हैं। ए भाई, 20 चार जमात पढ़ा हूँ मैं। देखिए, चार जमात पढ़े हैं। कह रहे हैं कि 20 होते हैं, मैं कहता हूँ 30 होते हैं। भाई मैं कहता हूँ 20 होते हैं। हाँ, जा कहाँ रहा है रे? मुझे काम है। काम है? अरे तो फैसला कर जा पहले। फैसला तो मैंने तो कर दिया कि भाई 20 होते हैं। 20 जरा ठहर जाइए साहब, ये कहता 20, मैं कहता हूँ 30। मैं झूठा, ये सच्चा। लाल निकाल 20 रुपए। 20 रुपए? किस बात के 20 रुपए भाई? अबे 20 से भी मुकर रहा है क्या? है, लाल निकाल 20 रुपए। देखिए साहब, आजकल चोर उचक्कों का ही जमाना है। 30 दिए थे और 20 मिल रहे हैं, बोलिए। मैंने तुमसे क्या लेने देना है भाई? कौन से 20 रुपए? दिए 30 और मिले 20, बोलिए। भाई मेरा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं भाई। देख भाई देख, 20 रुपए तो तू कबूल कर चुका है, 20 रुपए दे और झगड़ा साफ कर। अरे भाई, झगड़ा किस बात का? मैंने कोई पैसा नहीं लिया इससे, ये बदमाश है। क्यों कहा? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तू मारा मारी की क्या जरूरत है? बोल भाई, तेरे पास पैसे कितने? तुम्हें क्या, मेरे पास जितने पैसे? सही बता तो सही, मेरे पास 20 रुपए हैं। 20 रुपए देकर झगड़ा खत्म कर। झगड़ा खत्म कर? मैंने कौन सा इसके बाप से कर्जा लिया है भाई? नहीं लिया ना, किससे लिया बताओ? पापा जी देता हूँ 20 रुपए। मैं आपको झगड़ा खत्म हुआ। माँ मुझे किसी से बेटा शहर नहीं जाना, वहाँ पाप ही लोग बसते हैं, वहाँ बहुत पाप होता है। मैं आ गया माँ के बगैर, अब मैं नहीं जाऊँगा वापस। अरे उस्ताद साहब, जरा बात तो सुनना। क्या बात है? 10 और 10 मिलाकर कुल कितने होते हैं? 10 और 10 मिलाकर कुल कितने होते हैं? अबे कितने भी होते होंगे, तुझे क्यों बताऊं? हिसाब सीखना चाहता हूं। तो किसी मदरसे में जा भाई, मुझे फुर्सत नहीं है। फुर्सत नहीं है? अबे ऐसा हाथ लगाऊंगा कि उम्र भर की छुट्टी हो जाएगी। गरीब आदमी को बनाता है। कितने दांत है तेरे मुंह में? रुपए निकाल, वरना बस 30 ही तोड़ के हाथ में रख दूंगा। हाँ, मगर पहले मुंह तो छोड़ दे। अरे भोले राजा, जरा इधर तो आना। रुपए वापस कर इसके। रुपए वापस कर। ये ले। अब छू के इसके पांव छू। इसके पांव छू। और दुम दबा के भाग गया। मुड़ के देखा तो कपड़े उतार लूंगा। महाराज, तुम साक्षात भगवान हो। तुम ना आते तो ये बदमाश मेरे रुपए खा गया होता। तुमने बहुत कृपा की है मेरे हाल पर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कौन हैं और आपका नाम? मेरा नाम क्या है? मैं कौन हूँ? मेरा नाम क्या है? मैं कौन हूँ? मेरा
भाइयों जरा ध्यान से देखना, हिम्मत का कीमत है मेहरबान, शाबाश है, संभाल के। अरे ध्यान से, ध्यान से, ये देखो भाइयों, ये सब किस लिए है? पापी देश के वास्ते ही दरबार। ये लकड़ी के साथ चलना कोई कमाल नहीं, बच्चों का खेल है, इसलिए बगैर लकड़ी के चलो जब जाने, क्यों ठीक है? ठीक है। क्या बात, क्या बात, कमाल के, कमाल के। रूपा, रूपा, क्या हुआ बेटी, कहीं चोट तो नहीं आई? कुछ नहीं बाबा, बाल बाल लग गई। कौन है बाबा? जो वो नेक बंदा है बेटी, जिसने तेरी जान बचाई, भगवान उसका भला कर। उठ बेटी, उठ। अच्छा भाई, अब तुम जाओ, जाओ, चलो, चलो। ए, मेरा कान, मेरा कान। उधर नहीं, इधर चल। कहाँ जा रही है? घर में बैठे बैठे जी उठता गया, घूमने जा रही। करुणा, अभी तुम्हारा बाहर जाना मुनासिब नहीं। क्यों नहीं मुनासिब? हर बात समझाई नहीं जाती, खुद भी सोचना चाहिए। अंकल को गुजरे अभी थोड़ा ही अच्छा हुआ, इस तरह तुम्हें बाहर घूमते फिरते देखकर दुनिया क्या करेगी? मुझे दुनिया की परवाह नहीं। बिटिया, लो क्लास तो रखनी ही पड़ती, अभी ना ही जाओ तो अच्छा है। हिमालय वाले बाबा की बुद्धि, अगर रूपा मेरी हो जाएगी तो कसम से कहता हूँ सत्यनारायण की कथा बड़ी धूम से कराऊंगा। ये कौन है चिमनी वाला? अबे ये अपनी चिमनी अलग कर। नहीं के बच्चे, तू तो वही है जिसने रूपा को बचाया था। रूपा चल दिया। क्या है बाबा? बाबा क्या है बेटी? देखो तो कौन आया है। चंपा, अरे चंपा, अरे चंपा, क्या हो गया तुझे? चंपा होना क्या था, लोग दो घड़ी झूठी हमदर्दी जताते और फिर जेब में हाथ डाल के अपना अपना रास्ता लेते। कहाँ रहते हो बाबू? ये सारी दुनिया ही अपनी जागीर है, कामकाज भी तो कहीं करते होगे। जरूरी नहीं कि दुनिया में हर कोई कामकाज करे। तो फिर ये खाना पीना कहाँ से होता है? खाना पीना तो सभी कहीं की जगह से आता है। कुछ खा के जाओ ना। शुक्रिया, बड़ा अनोखा लड़का है। हाँ बाबा, और बहुत शरीफ। अच्छा तो तुम्हें इतनी जल्दी उसकी शराफत का भी पता चल गया, तो क्या सूरत से पता नहीं चल जाता? ओ तो तुम उसकी सूरत देखते रही हो। चल हट, शरीर कहीं की। बेटा जोकर, फिर मार गई ना ठोकर, परवाह नहीं, मगर मैं तो रहूंगा इसी का होकर। Thank you.
का जो मैं भी एक लड़का हूँ, चट से पेड़ पर चढ़ जाती और फट से आम तोड़ लेती। ये लो। ध्यान कहाँ था तुम्हारा? कुछ आम की तरफ, कुछ देने वाले की तरफ। मेरी तरफ? मेरी सूरत भी आम से मिलती जुलती। हाँ। ये तुम खा लो। मुझे जरूरत नहीं थी, मैं तो तुम्हारे लिए तोड़ रही थी। मेरे लिए? हाँ, मैं जानती हूँ तुम भूखे प्यासे, खा लो ना। आज तक तो किसी ने मेरी भूख प्यास की परवाह नहीं की, तुम्हारे दिल में दर्द कहाँ से आ गया? क्यों ना आए, तुमने भी मेरी जान बचाकर मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया। और बदले में तुमने भी मुझे कितना बड़ा आम दिया। चीज को नहीं देखते बाबू, जिस दिल से चीज दी जाए उसे देखते। दिल? हाँ दिल। जो करती कमाई जंतर मंतर वालों ने खाई, ये है मंगू बाबा का छल्ला, सवा पांच रुपया। कहते थे बेटा पूर्णमासी के रोज नहा धोकर उंगली में पहन लेना, फिर देखना रूपा तुम्हारे पांव धोकर पिएगी। अबे वो मेरे क्या पांव धोके पिएगी, अभी तो मैं ही अपना खून पी रहा हूँ, गधा कहेगा। ये है मुस्तंडा साई का तावीज, सवा सात रुपया। वाह बाबा वाह, तुमने भी अच्छा फटका दिया। कहते थे पर खुरदार जैसे ही गले में पहनोगे वैसे ही रूपा तुम्हारे पीछे पीछे पागलों की तरह फिरेगी। वो मेरे पीछे पागलों की तरह क्या फिरेगी, मेरे ही उसके पीछे फिर के तीन जोड़ी चप्पल गिर गए। अरे वाह 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 वाह, हर द्वार की जोगन माई का सुरमा। कहती थी रोज सुबह उठकर दाई आँख में शाम को बाई आँख में लगाओगी, फिर देखना रूपा साए की तरह तुम्हारे साथ हो जाएगी। कम वक्त ने जिस दिन से सुरमा दिया है धूप ही नहीं निकलती, तो साया कहाँ से आएगा, गधी कहीं की। सवा ग्यारह रुपया, सवा ग्यारह रुपया। हिमालय वाला बाबा भी फटका दे के चला गया। कम वक्त को सीढ़ी चढ़ने की ताकत नहीं, और हिमालय पहाड़ चढ़े थे जड़ी बूटी लाने के लिए, गधा कहीं का। खुद के तो इतनी लंबी दाढ़ी है और दूसरों की हजामत बनाता रहता है, नालायक। देखा भाई आजकल की दुनिया ही चोरों की है। चुप। अबे चुप। कौन है? मैं हूँ लाली। ओ लाली, अरे कहाँ है मेरी होने वाली घरवाली? नहीं नहीं अबे गधे, फिल्म की तरह आया है क्या? नहीं उस्ताद, थोड़ी सी सूंघ के आया था। पाँव हटाना, पाँव हटाना। हटाता हूँ तू भी। अबे अबे नालायक, दोनों यहाँ रख। क्या करूं उस्ताद, एक को बचाता हूँ दूसरी आ जाती है, मत करना। उस्ताद ये क्या गरम मसाला है? मोहब्बत के बुखार का नुस्खा। रूपा रूपा ए रूपा, कहाँ है रूपा, किधर है? देखो देखो, अबे तो दिखा ना, तू क्या देख रहा है, जादू तो ना लाया है क्या? निकाल जल्दी निकाल, जल्दी निकाल। ये बीड़ी, अबे तू क्या समझता है, तेरी बीड़ी से मैं रूपा का दिल खींच लूंगा। अबे जहाँ जंतर मंतर बेकार हो गए, जादू टोना सेल हो गया, वहां तेरी बीड़ी से काम नहीं चलेगा। छोड़ दो, तुम क्या समझते हो तुम्हारी इस सूरत पर रूपा फिदा होगी, ऐसा चौंकता नहीं है तुम। अबे तू देखना तो सही, एक न एक दिन ऐसा जादूगर लेकर आऊंगा जो रूपा को मेरे रूपा को मेरी बना के छोड़ेगा। उस्ताद जरा सोचो, तुम्हारी शादी रूपा से हो गई? हो गई? कब हो गई? कब हो गई? नहीं उस्ताद, मैं कहता हूँ जरा सोचो। सोचू? अच्छा सोच लिया। फिर तो तुम क्या समझते हो चंपा चुप रहे? चुप? अबे चंपा के बच्चे, उस चुड़ैल की परवाह कौन करता है, दो आने की सूरत और सवा रुपए का नखरा, एक रुपया पच्चीस मेरे पैसे का। क्यों गरीब लड़की को सताते हो? चुप। अभी अभी फिर
बीड़ी पीता है। कहो सर, नहीं तो ये क्या है बे? क्यों, तुझे मना किया था ना? देख, अब की अगर तूने बीड़ी चलाई ना तो मैं तेरी उंगली तोड़ के रखूंगा यात्रा। मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे साधु महाराज के पास जाना है। तो जा जल्दी जा। क्या कहा, साधु महाराज? साधु महाराज कोई आए हैं क्या? आए। तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? अबे जब आए हैं तो उन्हें यहाँ लाया क्यों नहीं? जल्दी ये गाना ले चल। अच्छा ये दूसरा आना ले चल। अरे बेटा लाड़ में ही आ गए तो क्या मैं तुझे ही पे गाना देते ही चला जाऊंगा? चल उठ यहाँ से। चंपा ने देख लिया तो चंपी हो जाएगी, समझे ना? चल। खामोश। कहाँ जा रहा है? मैं ये किसी के यहाँ नहीं चलेगी, जल्दी से बता। मैं सब जानती हूँ, साधु महाराज को लेने जा रहा है ना? तुमको कैसे मालूम हुआ? मैं साधु महाराज के पास नहीं जा रहा था, ये किसी तो उस्ताद ने पता ही। अच्छी बात है, मैं भी तेरे उस्ताद की खिचड़ी पकाऊंगी। सिर्फ पका के तुम खाओ या उस्ताद को खिलाओ मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। चल 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 चल। कान खोल कर सुन लो, मैं इन हड़ताल की धमकियों में आने वाला नहीं। काम करना है तो पुरानी तनख्वाह पर किए जाओ। क्यों करें, फैक्ट्री का मुनाफा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा तो हमारी तनख्वाहें भी बढ़नी चाहिए। तो तुम फैक्ट्री के हिस्सेदार हो? हिस्सेदार ना सही, लेकिन इस फैक्ट्री की बुनियाद तो जरूर है। दिन रात पसीना बहाकर काम तो करते हैं, और उसका इज्जाना तुम्हें हर महीने दिया जाता है। वो इज्जाना तब का है जब ये फैक्ट्री शुरू हुई थी और चावल रुपए के 10 शेर थे, अब 4 रुपए के 1.5 शेर। चावल खाना छोड़ दो। सुन लिया भाई, यहाँ तो दाद प्रयास की कोई गुंजाइश नहीं रही। चलो हम कानून से इंसाफ मांगे, जा जाओ मांग लो। इंसाफ चाहते और कुछ नहीं। फैक्ट्री का काम हर साल बढ़ता जा रहा है और तनख्वाहें वही पुराने की पुरानी। अच्छा, तुम लोग हड़ताल करने का मत सोचो, मैं वैसे देखती हूँ। मैं वैसे देखती हूँ कि तुम लोगों को तरक्की दी जाए। बस मालकन, हमारी यही मांग थी, अब हम आगे आ जाते हैं। चलो भाई। अरुणा, ये फैक्ट्री का मामला है, तुमने बीच में दखल क्यों दिया? मैंने भी तो फैक्ट्री की भले के लिए फैसला किया है। फैक्ट्री नुकसान में नहीं चल रही, फिर इन गरीब लोगों को खुश करके इनकी दुआएं कर ली क्या? लेकिन ना तो मैं उनकी दुआएं लूंगा और ना ही उन्हें तरक्की दूंगा। लेकिन मैं वसूल दे चुकी। तुम्हें मजबूर किसने किया? आइंदा ख्याल रखना, घर का मामला हो या फैक्ट्री का, तुम्हें मेरी जबान का पास रखना होगा। आइए महाराज, पधारिए पधारिए। उस्ताद, अब ऐसे चिल्लाता क्यों है? ओम काली। ओ महाराज, आप बैठिए महाराज, बैठिए। मैं आपके चरणों का दास हूँ महाराज, मेरे सर पर हाथ रख के मेरा कष्ट दूर कीजिए महाराज। उस्ताद, ओम काली, ओम काली। निराश ना हो बच्चे। थैंक यू महाराज, इस लड़के ने मुझे सब कुछ बता दिया। बता दिया ना महाराज, मैंने ही इससे कहा था। तो बोल बेटा, तेरी मनोकामना क्या है? महाराज, एक लड़की है जिसका नाम रूपा है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ महाराज। उस्ताद, समझते क्यों नहीं? क्या है? कुछ नहीं, वो रूपा है ना, रूपा, उससे नफरत कर।
महाराज, मेरी सूरत देखकर उसको बुखार चढ़ जाता है और उसकी सूरत मैं देखता हूँ ना तो मैं ठंडा हो जाता हूँ महाराज। तो अंतर्यामी कोई ऐसा मंत्र निकालिए कि उसका बुखार भी उतर जाए और मेरी सर्दी भी दूर हो जाए। चिंता न करो, मैं अभी समाधि लगाता हूँ। जल्दी लगाइए महाराज, जल्दी लगाइए। समझा समझा, तुमने किसी दूसरी लड़की का दिल तोड़ा है बेटा, ये सच है? हाँ महाराज, नहीं तो तुम्हें किस लड़की का दिल तोड़ा तूने? बोल देना। नहीं तो गुरुदेव ने तुमसे सवाल किया, तुम ही बता। गुरुदेव मुझसे सवाल किया था आपने? और किससे? हमसे छुपाओ नहीं, काली माँ हमें सब कुछ बता रही है। महाराज एक बात बोलूं? बोल। मालूम होता है काली माई से गलती हो रही है, आप एक बार फिर पूछिए ना। देवी देवता कभी गलती नहीं करते। काली माँ कहती है जो लड़की तुमसे सच्चा प्यार करती है तुम उसे ठुकरा कर किसी दूसरी लड़की के पीछे भाग रहे हो। तो क्या काली माँ ने ये भी बता दिया? हाँ सब कुछ बता दिया है। बोलो तुम उस लड़की से नफरत क्यों करते हो? तो क्या उस चुड़ैल से प्यार करूं महाराज? महाराज अगर आप उस चुड़ैल को एक बार देख लेना तो काली माई की कसम सीधा हरिद्वार का टिकट कटा। वो लड़की, अरे वो तो चुड़ैल है, भूत है, डायन है। मेरे बच्चे। जी पिताजी। ये तुम्हारा शिष्य बीच में बार बार क्यों बोलता है? इससे हमारी समाधि भंग हो जाती है। ए लाली के बच्चे, तू अपने आप को समझते क्या है बे? अरे मुझे क्यों समझाते हो, खुद समझ जाओ ना। चुप। ए अब के अगर तूने बाबा की समाधि भंग की है ना तो मैं तुझे मार मार के धतूरा बना दूंगा, याद रखना। बाबा पहुंच जाओ समाधि में। क्या हुआ? अरे हाथ कटा मरवा देगा। हाथ नहीं रखने का क्या? पीछू मेरे को क्या मालूम, नवा टाइप का बाबा है। अच्छा ये बताओ जी, वो चंपा तुम्हारी क्या होती है? चंपा मेरे घर के बर्तन मांजती है। बेटा। जी पिताजी। मैं काली माँ से कहकर रूपा का मन तेरी तरफ फेर दूंगा, यही चाहिए ना तुझे? अरे वाह बाबा, और मुझे क्या चाहिए? अंधे को दो आंखें मिल जाए तो वो और क्या मांगेगा, आलू बटाटे थोड़ी। तो अपनी आंखें बंद कर। बाबा एक आंख से काम चलेगा? नहीं दोनों। तो ये लीजिए दोनों लोग। ओम काली ओम काली, भोम बाली भोम बाली। ये लो, इस राख में बहुत बड़ी वशीकरण शक्ति है। अगर तुम इस राख को अपने सारे बदन पर मलकर रूपा का ध्यान करोगे तो रूपा तुम्हारे सामने आ जाएगी। अरे वाह 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 वाह, कौन कहता है कि आप इंसान हैं? मैं तो भगवान की कसम खा के कहूंगा कि आप साक्षात भगवान हैं। देख बालक, हर 5 मिनट के बाद ये राख मलते रहो। अच्छा। जरा सी भी भूल हुई तो मंत्र की शक्ति चले जाए। सत्य वचन महाराज। चुप। महाराज दक्षिणा। प्रभु के प्यारे धन का मोह नहीं रख। अरे वाह वाह महाराज वाह महाराज, जीते रहो जीते रहो जीते रहो। उठो, भोज हो चुका। स्वामी जी कहाँ गए? देखा, आए भी और चले भी गए तो पता नहीं चला। इसको कहते हैं असली महात्मा। चुप चुप, खबरदार जो कभी मेरे महात्मा के बारे में कुछ बोला है तो ये राख ले और जल्दी से मेरी पीठ पे मल दे। कुछ है जो ये बात है। अबे घोड़े की मालिश कर रहा है या राख लगा रहा है? हल्का आत्मा हल्का। अच्छा जानते हो ये स्वामी जी कौन थे? अबे भगवान का अवतार से और कौन था, देखता नहीं इतनी शक्ति वाली राख दे गए और फूटी कौड़ी तक नहीं ली। चल जल्दी से काम खत्म कर। अरे काम खत्म क्या, अब तो काम तो फिर तेरे को आज माल जरूर मिलेगा। 5 रुपए मेरे को भी। अरे नौलायक सब राख निकाल दी। थोड़ी सी निकाली। चल डबल कोट मार, डबल कोट मार। पीछे का भाग पूरा हो गया। हाँ सर, अब पहले तो यहाँ का भाग ले।
अबे दिल खोल के लगा कंजूसी क्यों करता तेरा बाप का मालिक है लगा मेरे बाप का क्या जाता है ठहर ठहर मैं लगाता हूँ अच्छा लगा ऐसे नहीं ऐसे लगा तू पिछाट अच्छा तेरी तरफ उठ के आ रहा पीछे आठ मैं समाधि लगाता हूँ आजा आजा प्यारी रूपा आजा मीठे मीठे गीत सुना जा भोली भाली सूरत सूरत अटकी नहीं मालूम होता है मालूम लाली अरे लगाओ क्या बात बच्चा नहीं बच्ची थी अरे बच्ची का बच्चे में ना थी तो चंपा चंपा क्यों है मुझे खुद हमेशा फुर्सत मिलेगी तो मारूंगा ना जल्दी जा ईट लेकर आई भागते से अबे ईट गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग जी मुझे यहाँ कोई नौकरी मिल सकती है नौकरी आई एम सॉरी यहाँ कोई जगह खाली नहीं सुनो मैंने शायद कहीं पहले भी तुम्हें देखा है जी रामलाल यस सर इसको अपनी कंपनी में कोई काम दे दो यस सर आओ आओ मेरे साथ अब बोलो क्या नाम है तुम्हारा जी अरे भाई मैं तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ नाम अजीब आदमी हो नाम बताने से घबराते हो बोलो तुम कौन हो क्या हो कहाँ रहते हो बोलो कुछ तो बोलो क्या बात है रामलाल मुलाजिम रख लिया इसे जी ये अपना नाम ही नहीं बतलाता क्यों भाई नाम क्यों नहीं बतलाते अच्छा कोई बात नहीं कल से ड्यूटी पर आ जाओ जी शुक्रिया शायद बड़े घर का लड़का है इसलिए छोटी नौकरी से हिचकिचाता है Hey, hey, hey.
सदा इसी तरह मुस्कुराते रहो तो मेरे मन की कली भी खिलती रहे। तुम नहीं जानती मैं तुम्हें उदास देखकर कितनी सहम जाती हूँ। मुझे भी तो खुशी की तलाश है रूपा, लेकिन जिंदगी एक भूला हुआ सपना बन के रह गई। जितना मैं इस सपने को याद करने की कोशिश करता हूँ उतना वो और दूर होता जाता है। बस यही एक दर्द है जो दिल में खुशी को आने नहीं देता। फिर रोही उदासी, ये सपनों की बातें सब छोड़ दो, मेरी तरफ देखो और मुस्कुराओ। मैं जो तुम्हारी खुशी हूँ। तुम अंधेरे में खोए हुए मुसाफिर के लिए चांद की किरण हो रूपा, एक वीरान उदास दिल के लिए खुशी का संदेशा रूपा। साहब कुछ तो दे दीजिए, मैं बहुत मुश्किल में हूँ साहब। तुम्हारी मुश्किल आसान करने का मैंने ठेका ले रखा है। साहब हम आपके पास ना आए तो कहाँ जाएं साहब? जहन्नम में जाओ। क्या हुआ भाई, क्या बात है? ओ, तुम अंदर जा सकते हो, फरियाद के लिए एक ही आदमी काफी है, आप लोग यहीं थे। चाहते हो तुम दे ही कह सकते हो, देने वाले तो हम हैं जो दिन रात अपने पसीने का नजराना देते हैं, और जब उससे भी तुम्हारी तसल्ली नहीं होती तो तुम हमारा खून पीने पर उतर आते हो। आगे मत बढ़ो, रुक जाओ। उमड़ते हुए तूफान को, चढ़ते हुए समुंदर को, उबलते हुए लावे को रोकने की ताकत किसमें है? हरिया काका इसे पहले अस्पताल पहुंचा दो। देखिए मैं इस मामले की जांच करूंगी। जांच करने तो मैं आया हूं, क्या कसूर था इसका? इसने आपकी जायदाद का हिस्सा मांगा था, आपकी चार चार मोटर कारों में से किसी एक मोटर कार पर हक जमाना चाहा था, आपके सालिशान बंगले में से किसी एक कमरे पर कब्जा कर लिया था, क्या कसूर था इसका? यही नहीं कि इसने अपनी मेहनत और मजदूरी के इवज में अपनी बीवी की जान बचाने के सिर्फ 10 रुपए के लिए आपके सामने झोली फैलाई थी? लेकिन कंपनी किसी कायदे और असूल पर चलती है, और इंसानियत का भी कोई असूल होता है। ये मत भूलिए कि इस घर की एक एक ईंट पर हमारी मेहनत के निशान है। अगर हम जमीन पर न सोती तो क्या आज आपको ये मखमली सेजे नसीब होती? अगर हमारे बदन पर ये धज्जियां ना होती तो क्या आज आज आपके इन दरवाजों पर रेशम के पर्दे होते? सच नहीं, आप इंसानियत को भूल चुके हैं, इसलिए कि आपको दौलत का नशा। सच्चाई को आजकल बकवास ही कहा जाता है। जनाब मैं आपसे यहाँ कुछ लेने नहीं बल्कि इंसानियत का थोड़ा सा सबक सिखाने आया था। तो इसका मुआवजा भी लेते जाओ, आज से तुम्हें डिसमिस किया जाता है। इस गरीब नवाजी का शुक्रिया, इसे बढ़ के आप दे ही कह सकते हैं। क्यों, भूख नहीं क्या? भूख की क्या कमी है, भूख ही भूख तो है। तो फिर खाते क्यों नहीं? नहीं रूपा, जब आदमी भूख और प्यास का गुलाम हो जाता है तो फिर वो इंसानियत का भी दुश्मन बन जाता है। उसे झूठ में सच्चाई और सच्चाई में झूठ नजर आता है, वो अपने आप को धोखा देता है, दुनिया को धोखा देता है। इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? किसी ऐसे आदमी की तलाश में जा रहा हूँ जिसे मेरी मेहनत पर भरोसा। तो क्या तुम्हारी नौकरी चलेगी? नहीं रूपा, नौकरी तो वहीं की वहीं है, सिर्फ मैं वहां नहीं रहा। वो क्यों? कंपनी के मालिक से झड़प हो गई, उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया, इसलिए कि उसने मुझे जरूरत से ज्यादा अकलमंद समझा। अगर बहुत बुरी चीज है रूपा, मालिक से ज्यादा हो तो नौकरी से जवाब मिल जाता है, कम हो तो नौकरी मिलती नहीं। बहुत मुश्किल से तो नौकरी मिली थी। कौन सा ऐसा डिप्टी कमिश्नर का ओहदा मिल गया था, कोशिश करूंगा कोई और काम मिल जाए, वरना पेट भरने के लिए पानी और सोने के लिए जमीन तो है।
क्या बात है, बहुत थके हुए नजर आते हो। जिंदगी की खुश सड़क पर चलते चलते थक गया हूं रूपा। इस भरी दुनिया में एक भी तो ऐसा नहीं जो मुझ पर तरस खा के इतना ही पूछ ले कि बोल तेरे दिल में क्या है, तू क्या चाहता है। इस तरह उदास क्यों होते हो? तुम्हें उदास देखकर मेरा दिल भी बैठ जाता है। आखिर मेरी खुशी भी तो तुम्हारी खुशी में है। बस तुम्हारी बातें सुनकर जिंदा रहने को जी चाहता है रूपा, वरना इस जिंदगी में रखा ही क्या है। लोली, अबे लोली, पकड़ा गया। अबे पकड़ा गया। कौन पकड़ा गया उसे? उधर देख, उधर। किधर? इधर देख। किधर उसे? मेरी चिता का सामान हो रहा है। अबे परसों से मैं रूपा के नाम की माला जप रहा हूँ, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ा। और ये जुम्मा जुम्मा आज दिन का मेहमान लुत्फ ले रहा है। ये तो अपनी अपनी किस्मत है। उधर कहाँ जा रहा है रूपा? तुम तो मुझे नहीं छोड़ दोगी? ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए था। मैं तो कब का अपने आप को तुम्हारे हवाले कर चुका हूँ, अब कहाँ जाऊंगा? उस्ताद, क्या है? सुनो, ये क्या खुसुर-पुसुर हो रही है? तेरी अम्मा से शादी की बात हो रही है। तो फिर मेरे बाप का क्या होगा उस्ताद? जो मेरा हो रहा है। अच्छा। उस्ताद, तुमने कुछ देखा? हंस रहे हैं, हंसो बेटा हंसो। नहीं उस्ताद, उसके हाथ में कुछ है। हाथ में है? क्या है? बीड़ी? बीड़ी नहीं उस्ताद, उसके हाथ में तिलिस्मी बूटी है। तिलिस्मी है? जरा गौर से। ये तो असली जड़ी मालूम होती है। अब मैं समझा कि रूपा मुझ जैसे खूबसूरत को छोड़कर इस कनक हुए को क्यों प्यार करती है। खूबसूरत? चुप। आज मुझे किसी ने मोहब्बत के खजाने का मालिक बना दिया रूपा। इस खजाने में चमकते हुए मोती ना सकी, मचलते हुए अरमान तो हूँ। तुम्हारा हाथ जब हाथ में आ जाता है तो जिंदगी की सब परेशानियां ख्वाब सी बनकर रह जाती है। लाली, मेरी मोहब्बत का जनाजा निकल रहा है। और किस धूमधाम से उस्ताद। लाली, मुझसे ये देखा नहीं जाता दुश्मन मोहब्बत का मजा लूटे और हमारा दिल टूटे। लाली, ये सब तिलिस्मी बूटी की करामात है। लाली, काश ये बूटी मेरे पास होती तो इस कनकौए की जगह मैं लगा रहा होता। माफ करना लॉली, मैं इससे ये तिलस्मी बूटी लेके रहूंगा। क्या वो मांगने से दे देगा? उसका तो बाप भी देगा। तू चल तो सही। क्या हो सर? चंपी, चंपी करता हूँ अभी। चंपो, चंपो। रूपा, 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 चलो बाबा ने बुलाया है। अच्छा मैं जाती हूँ, बाबा बीमार है। क्या बात है भाई साहब, तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हें क्या नजर आता? मुझे नजर ये आता है कि तुम नहाए नहीं हो, बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े मेले हैं, कुछ बासी बासी लग रहे हो। आए, अपना रास्ता नाप। लाली, हाँ ऐसा भी क्या है उस्ताद, बस तुम तो बातों में लग गए, काम की बात करते ही नहीं। क्या बात है जी? वो कुछ नहीं, जरा देख रहा था। काट का पक्का है। तुम चाहते क्या? मैं चाहता तो कुछ भी नहीं हूँ। वो आइडिया अच्छा है। देखो ना, तुम इस तरह जो आवारा गर्दी करते हो ना, उसमें तुम्हें क्या मजा आता है? कोई काम धंधा नहीं है क्या? काम धंधा क्यों नहीं? सुबह को शाम और शाम को सुबह करना है, क्या ये कम काम है? बहुत भारी काम है, बहुत भारी काम है। ये क्या कर रही हो? दवा पीस रही हूँ। दवा? लेकिन मैं तो अच्छा बना हूँ। तुम्हारे लिए नहीं, बाबा के लिए। ओह,
बाबा के लिए। आप तबीयत कैसी है? जैसी पहले थी। कमाल है, कोई फर्क नहीं पड़ा? हाँ, धीरे धीरे फर्क पड़ रहा है। पड़ा है ना, मुझे तो पहले ही मालूम था। अच्छा ये बताओ कि शादी के बारे में क्या ख्याल है? शादी? हाँ शादी। शादी का फैसला तो मैंने कर लिया है। कर लिया है ना, बहुत अच्छे। लाली लाली लाली, मार दिया। है? क्या मार दिया? मैं अब डर है किसका प्यार, गम भागे बेटा सारे, एक रंग बिरंगी चिड़िया अब तो लगेगी हाथ हमारे। अरे मारा मारा, अब डर है किसका प्यार, गम भागे बेटा सारे, एक रंग बिरंगी चिड़िया अब तो लगेगी हाथ हमारे। अरे मारा मारा, हाँ चोरी चोरी जो मेरे दिल का दाना, उड़ जाती थी तड़पा कर नित करके नया बहाना। चुगती थी चोरी चोरी जो मेरे दिल का दाना, उड़ जाती थी तड़पा कर नित करके नया बहाना। हम इश्क में जिसके बरसों से फिरते थे मारे मारे, अब लगे कि हाथ हमारे। अरे मारा मारा क्यों, बुलबुल बिछड़ी पर बन गई अब तो बिगड़ी। अब गर्मा गर्म पकेगी दिन रात प्यार की खिचड़ी, वो जिसकी खातिर मैंने भी दिल जान के सत्ते वारे, अब लगेगी हाथ हमारे। अरे मारा मारा समझे, घड़ी के होंगे 17 घंटे की रातें, चुप चुप कर चांद सुनेगा एक चिड़ी चिड़े की बातें। दिन सात घड़ी के होंगे 17 घंटे की रातें, चुप चुप कर चांद सुनेगा एक चिड़ी चिड़े की बातें। वो जिसने खूब चलाए हैं दिल पर नखरों के आरे, अब लगेगी हाथ हमारे। अरे मारा मारा, अब डर है किसका प्यार, गम भागे बेटा सारे, एक रंग बिरंगी चिड़िया अब तो लगेगी हाथ हमारे। अरे मारा 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 रे मारा रे मारा रे मारा। हाथ में क्या है? हाथ में कुछ नहीं, खाली है। लाली ने मुझे सब कुछ बता दिया। ला वो बूटी मुझे दे। मेरे पास कोई बूटी उटी नहीं है। कुछ नहीं? नहीं। अच्छा, देखा ये क्या है? क्या है? खुजली का पाउडर। तो बूटी मुझे दे। ये लो। अच्छा, तो ये सब रूपा के लिए है? हाँ। नहीं नहीं नहीं, अरे 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 लाली, क्या बोला था? गूंगा बनता है। सुनो तो। जी तुम बता सकते हो अशोक बाबू कहाँ है?
मेम साहब, ये खाना बदोशों की बस्ती है, बाबू लोग क्या हिंग लेने के लिए आएंगे यहाँ? तुम समझे नहीं, वो एक जवान सा आदमी रहता है ना। नौजवान सा? वो तो मैं ही हूँ। नहीं भैया, मैं तो उस नौजवान को पूछ रही हूँ जो लंबा सा खूबसूरत सा है। तो क्या अपने चौकठे पर 12 बजे हुए है क्या? समझ गया, तुम उस बाबू का पूछ रही हो जो सर पे टोकरी पहनकर आता है। हाँ वही वही, तुम जानते हो वो कहाँ है? उसके पते की तलाश में तो भगवान खुद डाक खाने के चक्कर लगा रहा है। रूपा, क्या है? टोकरी वाला साहब कहाँ है? तुम्हें पूछने की क्या जरूरत? मुझे नहीं, ये मैम साहब को तकलीफ है। कह नहीं सकते, वो तो अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी मर्जी से चले जाते हैं। और उसकी मर्जी की चाबी इसके पास है, जरा चाबी घुमाई। और लेकिन बहन, वो इस वक्त कहाँ होंगे? तुम्हें उससे क्या काम है? वो हमारी कंपनी में काम करता था, तुम उसका नाम तो जानती होगी। इसे क्या पता, उसे खुद अपना नाम मालूम नहीं है। लेकिन वो आदमी कैसा है? बदमाश अव्वल नंबर का। नहीं बहन, इसकी बकबक में मत आना, वो सचमुच बड़ा अच्छा आदमी है। आहा, तुम उसकी तारीफ नहीं करोगी तो और कौन करेगा? मैं समझ गया, ये सब उस जड़ी बूटी की करामत है जो तुम उस पर लट्टू हो रही हो। मैम साहब, इसकी बातों में मत आना। जोकर, तुम इधर से जाते हो या चंपा को बुलाओ? चंपा? चंपा को बुलाने की क्या जरूरत है, आपका हुक्म काफी है। मैम साहब, बात यह है कि ये छोकरी बहुत अच्छी है, लेकिन वो टोकरी वाला साहब इस पे लट्टू हो रहा है। जोकर, आपका नौकर। लेकिन तुम्हारा उससे क्या संबंध है? संबंध? बस इतना समझ लो कि दो तन और एक जान। पहचाना नहीं? पहचानता हूँ, आप उस मोटर कंपनी की मालकिन है ना? बस इतने ही पहचाना, इससे ज्यादा जरूरत भी क्या है? तुम्हें न सही, लेकिन मुझे तो तुम्हारी जरूरत है। क्यों नहीं, कंपनी चलाने के लिए मालिक को मजदूरों की जरूरत पड़ती रहती है। जख्म देखकर उस पर नमक भी छिड़कते हो, ये क्या हो गया है तुम्हें अशोक? अशोक, तो आपने मेरा नाम भी रख लिया है? ये तो तुम्हारा ही नाम है, क्या तुम सब कुछ भूल गए? अशोक, अशोक देखो मेरी तरफ, देखो मेरी तरफ अशोक। मैं अरुणा हूँ, मैं अरुणा हूँ अशोक, अरुणा, जिसने अपने जीवन का सबसे अच्छा हिस्सा तुम्हारे साथ गुजारा, जिसका हाथ पकड़कर तुमने प्यार का संदेश दिया। क्या तुम उस अरुणा की याद भूल गए? बोलो अशोक, बोलो। कौन अरुणा और कैसी याद? तुम्हें कुछ भी याद नहीं, तुम सब कुछ भूल गए हो। तुम्हें ये भी याद नहीं कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है? मैं जो कुछ भी, आपको इससे क्या वास्ता है? आप चली जाइए यहां से। ठहरो, आज मुझे एक सवाल का जवाब देते जाओ। क्या तुम भी औरों जैसे हो? आखिर कब तक मुझे धोखा देते रहोगे? आज साफ साफ बता दो कि तुम किसी और के हो। मैंने जिसे अपने मन मंदिर का भगवान समझा था, वो मेरा नहीं है। छुपाओ नहीं, जवाब दो। किसी गरीब के दिल से न खेलो, कह दो कि तुम्हारी ये खामोशी एक फरेब है, तुम्हारा भोलापन एक अदा है, तुम अपने बारे में सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने हुए हो। रूपा, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे जहां भी घनी छांव नजर आती है मैं ये सोच के बैठ जाता हूँ कि शायद कुछ देर आराम का सांस ले सकूं, लेकिन मेरे बैठते ही वो घनी छांव धूप में बदल जाती है। मैं तुम्हारे पास अपने दिल का बोझ हल्का करने आया था रूपा, लेकिन तुमने मेरे दिल पर एक भारी पत्थर उठा के रख दिया। मैं
कौन हूँ क्या हूँ मुझे कुछ पता नहीं, जितना मैं याद करने की कोशिश करता हूँ उतना उन्हें जाता हूँ, आखिर जाऊँ मैं तो कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ। मैं तुम्हें जाने भी कब दूंगी, तुम्हारा घर तो ये है, मैं वचन देती हूँ कि मैं तुमसे फिर कभी कुछ नहीं पूछूंगी, कुछ नहीं पूछूंगी, तुम आराम से यहाँ रख सकते हो। आराम? कहाँ है आराम? आराम से दिल दूर है, और दर्द से मजबूर हो, क्यों फिर भी नहीं मेरी मुहब्बत तुझे मंजूर। किसी दिन जरा देख मेरा भी हो गे, किसी दिन जरा देख मेरा भी हो गे, कहाँ तक दिए जाएगा दिल को धोके, कहाँ तक दिए जाएगा दिल को धोके, किसी दिन जरा देख मेरा भी हो गे, किसी दिन जरा। कुछ नहीं जानता प्राण बाबू, सोच कर जवाब दो। इसमें सोचने की क्या बात है, अरुणा कहां से आ रही हो? जहां गई थी वहीं सारी है। जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं कि आजकल तुम कहां जाती हो, लेकिन याद रखो ये सुहाने ख्वाब पूरे होने वाले नहीं। तुम कौन होती हो उन ख्वाबों को तोड़ने वाली? मैं अपनी खुशी की मालिक हूँ, जो दिल में आएगा करूंगी, जहां जी चाहेगा जाऊंगी। अच्छी बात है, मैं भी देख लूंगा। बाबा। हाँ। आप सब लोग कहाँ जा रहे हैं? शरीर के साथ ये दोजख जो लगा हुआ है, जाएंगे नहीं तो इसकी आग कहाँ से बुझेगी बेटे? बाबा। हाँ। आज इसे भी ले चले। इसे बड़े शौक से? बड़े शौक से बाबा, ये बाबूजी उस दिन वहाँ आ गए थे ना, तो रूपा तार पे से गिरकर जमीन पर आ गई थी, और अगर ये साथ में आज चले ना तो कोई ना कोई मुसीबत जरूर आएगी।
तेरी अकल ठिकाना है कि नहीं? मेरी अकल तो ठिकाना है, मगर मगर कान का ठिकाना तो मैं ठका हूँ।
यहाँ ये तमाशा क्यों लगा रखा है? आप जैसे लोगों का दिल बहलाने के लिए। लेकिन हमें इस दिल बहलाने की कोई जरूरत नहीं। तमाशे की जरूरत किसको नहीं है? अमीर गरीबों का तमाशा देखते हैं, गरीब अमीरों का, और इन दोनों का तमाशा देखता भगवान। तमाशा देखने के लिए तो उसने इतनी बड़ी दुनिया बनाई। बनाई होगी, लेकिन तुम यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। ये सड़क आपने बनाई है, आप इसके मालिक हैं। ये बदतमीजी यहाँ नहीं चलेगी। तो उस जगह का पता बता दीजिए जहाँ चलेगी। ये बाजार है, बाजार आपकी कोठी या कारखाना नहीं, जहाँ आपके इशारों पर लोग सर झुका दें। यहाँ पगड़ी उछलती है, इसे मैखाना कहते हैं। ये बात है, यही बात है। बचालो, बचालो बहन, गरीबों पर रहम करो। जालिम उसे मार डालेगा, उसे बचालो बहन। देख क्या रही हो, उसकी जान खतरे में है। आओ बहन, आओ आओ ना, आओ बहन। ले आओ इसे बाबू, इसे छोड़ो बाबू। गरीबों पर जुल्म नहीं किया कर, दबाओ यहाँ से, बांधो इसे। आज चखाता हूँ तुझे बदतमीजी का मजा। देखो, देखो प्राण, प्राण। रुक क्यों गए? उठाओ हाथ। अरुणा, इन गरीबों ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्या कसूर है इनका? पेट की आग बुझाने के लिए ये बेचारे अपनी जान की भी बाजी लगा देते हैं, और तुम रहम खाने की बजाय इनकी जान के पीछे पड़ गई हो। क्या तुम में जरा भी इंसानियत नहीं? अरुणा, इन भिखारियों का साथ देते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म तो आती है, लेकिन तुम्हारी हैवानियत पर। इंसान होकर इंसान पर जुल्म कर रहे हो। अगर इन लोगों का शुमार इंसानों में है तो इनसे हैवान भले। बहुत बड़ा उपकार किया तुमने। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूं। कितने घायल हो गए तुम, आओ मेरे साथ अंदर आओ। नहीं बहन, हम चलते हैं, घाव मामूली है, अपने आप अच्छे हो जाएंगे। चलो चले। तुम्हारे तन के घाव तो अच्छे हो जाएंगे, लेकिन मेरे मन के घाव को कौन भरेगा? देखो, दरख्त जड़ से उखड़े, टूटने ना पाए। समझ गया हुजूर, समझ गया। सफाया करना तो अपने बाएं हाथ का खेल है। तो लाओ अपना दाएं हाथ आगे, लो। संभाल के यहां लिटा दो। अच्छा, अब तुम लोग जाओ। कोई डर की बात तो नहीं है ना बाबा? घाव बड़ा गहरा है बेटी, जब तक ये होश में ना आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। बाबा, घबराओ नहीं बेटी, भगवान पर विश्वास रखो। मैं कहाँ हूँ?
मेरे साथ आओ, मैं सब कुछ बता दूंगी। आओ। कर रही हो बेटी? मुझे छोड़ दो बाबा, छोड़ दो मुझे। जब उसने मेरे प्यार, मेरी पूजा सब कुछ ठुकरा दिया, तो फिर इस जीवन में रखा ही क्या है? वो तो मुझसे यूं आंखें चुरा कर चला गया, जैसे मैं उसके लिए कुछ थी ही नहीं। मुझे मर जाने दो बाबा, मुझे मर जाने दो। मरे तुम्हारे दुश्मन? हाँ बेटी, मरे तुम्हारे दुश्मन। मैं देखूंगा कि तुम जियोगी और खुशी खुशी जियोगी। चलो चलो मेरे साथ आओ। चले हम छोड़ के तुझको दुनिया नई बसाने, ओ बेदर्द ज़माने। पहले प्यार हमारा आज मिले हम
तकदीर जगाने ओ बेदर्द जमाने देखो मियां आवाज लगेना ओ बेदर्द जमाने ओ बेदर्द जमाने आज चले हम छोड़ के तुझको दुनिया नहीं बसाने ओ बेदर्द जमाने अंदर आ ये मेरा घर है तुम्हारा घर है तुम इतनी अमीर हो अभी तक तो गरीब थी तुम्हारे आने से अमीर हो गई तुम्हें कुदरत ने इतना कुछ दे रखा है अरुण क्या तुम्हें मुझ जैसे गरीब आदमी से मिलते जुलते जिल्लत महसूस नहीं होती ऐसा ना कहो अशोक तुम्हारे एक मुस्कुराहट के सामने इस दुनिया की दौलत क्या चीज है कुछ खाओ ना पहले तुम खाओ नहीं तुम खाओ पहले तुम खाओ तुम खाओ ना नहीं तुम खाओ इतना तो याद आ गया है अरुणा के बस में तुमसे मुलाकात हुई कुछ अच्छे दिन हमने एक साथ गुजारे और फिर एक दिन हम मेला देखने गए उसके बाद शायद किसी चीज से मेरी टक्कर हो गई थी शायद मैं किसी गाड़ी के नीचे आ गया था उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है उस दिन और आज के दरमियान में मैं कहां था अरुणा तुम जहां भी थे मेरे दिल में जरूर थे अरुणा अरुणा अशोक करने आया था चोरी करने का इरादा था बोल 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 जाने दो हरिया काका जाने दो जाने दो हरिया जाने कैसे दूं बिटिया मैं अभी पुलिस को फोन करता हूं नहीं हरिया काका पुलिस को नहीं बुलाओ क्यों बाबा
मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मेरी जान लेने से तुम्हें क्या मिल जाता? अगर गरीब हो तो इसका यह मतलब नहीं कि मजबूर होकर लुटेरे बन जाओ। पैसे की जरूरत है ना, ये लो। नहीं बेटी, नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। भगवान तुम्हारा भला करे बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। कुछ ना पूछो बेटी, मुझे चक्कर आ रहा। यही है वो रूपा जिसने इतने दिनों तुम्हारी देखभाल की। रूपा? हाँ अशोक, वो ख्वाब का जमाना तुमने इन्हीं लोगों के साथ यहाँ गुजारा। रूपा, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसकी कीमत तुम्हें अदा नहीं कर सकता, लेकिन शुक्रिया के तौर पर मेरी तरफ से ये नाचीज तोहफा कबूल करो। इनकार न करना बहन, हम दोनों की तरफ से ये एक मामूली सी भेंट है। ये गरीब लड़की के दिल की कीमत डाली है तुमने, ये रिश्वत किसी और को देना। हम खाना बदोश लोग नगर 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 नाच कूद कर अपना पेट भरते हैं, लेकिन दिलों का सौदा सोने चांदी से नहीं करते। रूपा, ये जली भुनी बातें मत करो, तुम सच्चाई से बेखबर हो। ये तुम कह रही हो? मेरे प्यार पर डाका डालकर आज मेरे आंसू पोंछने आई हो? प्यार? हाँ प्यार, वो सच्चा प्यार जिसकी कीमत तुमने ये मुट्ठी भर नोट डाले। रूपा, रूपा, अगर भूले से मैंने तुम्हें प्यार का कोई ख्वाब दिखाया है तो मुझे माफ कर दो। वो मैं नहीं था रूपा, वो मैं नहीं था। तो और कौन था? वो मेरी बेहोशी थी, मैं अपनी याद खो बैठा था। मैं सब जानती हूँ बाबू, अमीरों की याद भी झूठी और उनका प्यार भी झूठा। मैंने आज तक तुम्हें एक देवता की तरह पूजा, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि मेरे अरमानों की पूजा को ये अमीरजादी एक दिन अपनी दौलत के सहारे लूट लेगी। रूपा, तुमने मुझे बिल्कुल गलत समझा है। रूपा, तुमसे मिलने से पहले अशोक मेरे दिल की दुनिया का मालिक था, लेकिन जब किस्मत ने उसकी याद छीन ली तुम्हारा हो गया। खोई हुई याद वापस मिल जाने पर अगर फिर ये मेरा हो गया तो इसमें मेरी क्या खता और मेरी दौलत का क्या कसूर? रहने दो इन बातों को, तुमने मेरे दिल को चांदी के हथौड़े से तोड़ा है, लेकिन ये न समझना कि मैं अपनी बर्बादी पर सिर्फ आंसू बहाकर चुप हो जाऊंगी। मैं खाना बदोश लड़की हूँ, मुझे प्यार करना भी आता है और प्यार में बदला लेना भी। छोड़ दो बाबा। बेटी, मुझे मत रोको, मैं अपनी सौतन की जान लेकर छोड़ूंगी। तुम अपनी बहन की जान लेना चाहती हो रूपा? हाँ रूपा, ये तुम्हारी सगी बहन है, छोटी बहन मीना। क्या कह रहे हो बाबा? मैं सच कह रहा हूँ बेटी, आज से 15 साल पहले की बात है, तुम बहुत बीमार पड़ गई थी, मियादी बुखार था, टूटने का नाम ही न लेता था। इलाज के लिए घर में एक फूटी कौड़ी भी न थी,
तुम्हें मौत के मुंह से बचाने के लिए मैंने मीना को शहर के एक बेऔलाद रईस के हाथ 200 रुपये में बेच दिया था। अगर उस दिन मैं अपने इस दिल के टुकड़े को न बेचता तो आज तुम भी इस दुनिया में जिंदा ना होती बेटी। अच्छा तो ये बात है? जी हाँ। खैर कोई बात नहीं, मैं सब देख लूंगा। ओ हुजूर, मैं चलूं आपके साथ? ये जो है, फिर तुम्हारी क्या जरूरत है? दिल तो मैंने तुम्हारा तोड़ा है। अरुणा आओ मेरे साथ। नहीं, मैं नहीं आ सकती। आती हो कि नहीं? नहीं आऊंगी। चलो चलो छोड़ो, हम एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। अशोक, अशोक, मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। भेस में शैतान, बुझ गई तेरी प्यास, मिट गई तेरी हवस, देख अपनी करतूत। ये मत समझना कि ये लहू बेकार जाएगा, इस लहू से प्यार का वो अमर दीप जलेगा जिसकी रोशनी चांद और सूरज को भी शर्माएगी। और तू, मेरे हाथों तेरी वो मौत आएगी कि ये धरती तुम्हारे जिस्म की मट्टी भी स्वीकार नहीं करेगी। Thank you.
रूपा। दीदी 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 ये क्या किया तुमने दीदी? इंसान के भेष में शैतान, बुझ गई तेरी प्यास, मिट गई तेरी हवस, देख अपनी करतूत। ये मत समझना कि ये लहू बेकार जाएगा, इस लहू से प्यार का वो अमर दीप जलेगा जिसकी रोशनी चांद और सूरज को भी शर्माएगी, और तू मेरे हाथों तेरी वो मौत आएगी कि ये धरती तुम्हारे जिस्म की मट्टी भी स्वीकार नहीं करेगी। छोड़ दो उसे, सजा देना इंसान का नहीं भगवान का काम है। दे, दे। रूपा बेटी गिरफ्तार कर लो इसे, पकड़ो बेटी। बाबा मैं इस दुनिया से खुशी खुशी जा रही हूँ। रूपा देखो चंपा का दिल न तोड़ना। मीना मीना भगवान तुम दोनों की जोड़ी